वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल पे। और सबसे पहली बात, थैंक यू सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हमारा चैनल अभी 100 सब्सक्राइबर पार कर चुका है, तो हमारा नेक्स्ट गोल है कि जल्दी से जल्दी हम 500 जो नंबर है वो टच करें। तो चलो आज का वीडियो देखते क्या है। तो आज का वीडियो है डिसीजन ट्री। यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक, सिंपल और बोल सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग पकड़ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्वेश्चन कंपलसरी टाइप है, 90% चांसेस आने के। DWM में, डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग में ये क्वेश्चन है जो डिसीजन ट्री करके, वो भी 90% चांसेस आने के। और आता है थर्ड सब्जेक्ट ML, मशीन लर्निंग, उसमें भी ये टॉपिक 90% चांसेस रहते आने के। ठीक है, तो ये एक ही टॉपिक करेंगे और तीन सब्जेक्ट के लिए अपना प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब 10 मार्क का हर तीन सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखते क्या है ये। तो नाम से कुछ पता चल रहा हम लोग को, डिसीजन ट्री। तो एक ट्री के ऊपर हम लोग क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, कि क्या करना है हम लोग को। तो पहले देख लेते ये क्या होता है और इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि इसको क्या होता है डिसीजन ट्री। तो समझो अगर हम लोग को क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो क्रिकेट खेलना है तो पहली बात क्या कि हम लोग घर के अंदर तो नहीं खेल सकते, आउटडोर गेम है। ठीक है, तो हम लोग को आउटडोर जाना पड़ेगा, मतलब बाहर जाना पड़ेगा, घर में नहीं खेल सकते हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखना पड़ेगा अब बाहर गए तो बाहर कंडी वेदर कैसा है, क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, क्या एक ब्राइट सनी डे है कि नहीं है। तो उसके लिए दो कंडीशन आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आउटडोर पहला रूट नोड। फिर हम लोग का आएगा क्या बोलते, क्या रेनी है, फिर क्या सनी डे है। ठीक है, फिर ये दो कंडीशन चेक हो गया। अब अगर सनी डे है तो क्या ह्यूमिडिटी, क्या गर्मी ज्यादा है या फिर या गर्मी कम है, तो वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को। तो उसी तरह से हॉट, नॉट मच हॉट, फिर देखना पड़ेगा अगर रेनी है तो हवा चल रहा है कि हवा नहीं चल रहा, मतलब बारिश भी हो रही है और हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसी तरह से सभी के कुछ कंपोनेंट्स हो गए ट्री के, तो इस सब को मिला के हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, तो यही होता है डिसीजन ट्री। क्या करेंगे हम लोग, एक ट्री पे, बने हुए ट्री पे डिसीजन लेंगे कि आज हम लोग को बाहर खेलना है कि नहीं खेलना है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो जो है मेरा, एक मिनट, जो वीडियो दो पार्ट में रहेंगे क्योंकि ये काफी बड़े रहते हैं इसके सम्स। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, मतलब स्किप कर करके देखोगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दो पार्ट में आएगी वीडियो। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा हम लोग को कि हम लोग को ये सॉल्व करना रहेगा, अप्लाई डिसीजन ट्री एल्गोरिदम एंड जनरेट रूल्स फॉर क्लास बाय कंप्यूटर्स एंड क्लासीफाई क्वेश्चन है। और ये टेबल दिया रहेगा, ये डेटा सेट दिया रहेगा हम लोग को डिसीजन ट्री बनाने का इसका। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सिर्फ तीन फॉर्मूला है मेन, वो आपको याद रखना है। अगर आप वो याद रखेंगे तो आपको, तो देख सकते हो आप लोग फॉर्मूला क्या है, इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है, एंट्रोपी निकालना है और टोटल गेन निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग देख रहे हो कुछ फॉर्मूला है उसमें, तो आपको लोग को पता नहीं चलता रहेगा, तो मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला है तीन इंपॉर्टेंट, यही फॉर्मूला आप चाहे तो लिख के ले सकते हो, यही फॉर्मूला यूज करना है बस। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। तो ये सॉल्यूशन, तो अभी देखो क्या है, अभी हम लोग को क्या करना है, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम यूज करना है। ठीक है, और हम लोग का क्लास क्या दे दिया, बाय कंप्यूटर्स, मतलब ये हमारा क्लास है। तो क्या करने का पहला स्टेप ये कि इंफॉर्मेशन गेन निकालने का क्लास का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस पी अपॉन पी प्लस एन लॉग टू द बेस टू पी अपॉन पी प्लस एन, वही जो इधर है, फिर माइनस ऑफ एन अपॉन पी प्लस एन लॉग टू द बेस टू, फिर एक मिनट इधर एन आएगा,
एन अपॉन पी प्लस एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे पहले क्या होता है, क्या आएगा। तो उसके लिए P और N मालूम रहना चाहिए। अब P और N क्या है, तो P हम लोग कंसिडर करते क्या, नंबर ऑफ बाय कंप्यूटर, यस। और N को क्या कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ बाय कंप्यूटर्स, नो। मतलब क्या कि यहां पे जो नो है ना बाय कंप्यूटर्स क्लास में, जो नो नो प्रेजेंट है इधर, नो नो नो, वो हम लोग का हो गया N, ठीक है। और जो यस है वो हम लोग का हो गया P। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो 14 है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 14 है। तो इसमें से 9 यस है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यस है और नो 5 है। तो P हमारा 9 हो गया और N हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते, तो देखते क्या आता है। माइनस 9 अपॉन 9 प्लस 5 लॉग टू द बेस 2, 9 अपॉन 14, 9 प्लस 5 माइनस, अभी n है तो n क्या है 5, ठीक है। फिर 9 प्लस 5 लॉग टू द बेस 2 5 अपॉन 14, ठीक है। तो देखो, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कैलसी में कैसे करते हैं, फिर बार बार वैसे ही करना, ठीक है। आप तो देखते हैं हम लोग कैसे करते कैलसी में। तो पहले क्या है, माइनस 9 अपॉन 14, अब लॉग टू द बेस 2 है तो हम लोग ये वाला लॉग यूज करेंगे, टू द बेस 2 वाला, नॉर्मल लॉग नहीं, ठीक है। तो लॉग टू द बेस 2 इस पे आएगा 9 अपॉन 14, फिर माइनस 5 अपॉन 14 लॉग टू द बेस 2, ये ध्यान देना लॉग टू द बेस 2 ही रहना चाहिए, ठीक है। 5 अपॉन 14, तो ये हम लोग निकला और ये आंसर आ गया इन्फॉर्मेशन गेन। तो स्टेप वन क्या था, 0.94। तो हम लोग का क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया इन्फॉर्मेशन गेन, किसका निकाल लिया, क्लास का निकाल लिया। अब आप लोग देख सकते हो आज थोड़ा सा काम हम लोग ने सम में कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले, इसके आगे क्या, हम लोग ने ये क्लास कंसिडर किया, इधर दिया था कि क्लास को यूज करना है, तो पहला क्लास हमारा ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तो हम लोग का जो बचा हुआ एट्रीब्यूट है ना, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट है, जो एज है, इनकम है, स्टूडेंट है और क्रेडिट रेटिंग है, उसके ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी और गेन जो है वो टोटल निकालेंगे और फिर हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि रूट नोड पे क्या आएगा और फिर लीफ नोड पे क्या आएगा, पैरेंट नोड पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हो कैसे करते। तो यहां पे मैंने पहला एट्रीब्यूट कंसीडर क्या किया है, एज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एज में आप लोग देख सकते हैं यहां मैंने कुछ लिखा है पी आई एन आई, फिर यंग में कितने कैटेगरीज है, 3 है, सॉरी एज में कितने कैटेगरीज है, 3, यंग, मिडल और ओल्ड, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 ये मैंने कैटेगरी लिख दी इसके, यंग, ओल्ड, मिडल। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद देखो हम लोग को पी ऑफ आई मतलब क्या, नंबर ऑफ यस, ठीक है। तो हम लोग को यंग में कितने यस है वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग को इस तरह से देखना है लास्ट वाले कॉल क्लास में, ठीक है। तो यंग है क्या इधर, नहीं है, यंग में यस नहीं है, इधर भी नहीं है, फिर नीचे आते हैं हम लोग यंग में इधर भी नहीं है, नो, फिर ये भी यंग है, ठीक है। तो यंग के नीचे हाँ ये देखो ये यस मिला, और है क्या, और हाँ 2 है। तो इधर पी आई का वैल्यू आएगा, पी ऑफ आई जो है उसका वैल्यू आएगा 2, ठीक है। कैसे आया, यंग में जो भी यस है ना क्लास का, जो भी प्रेजेंट है वो ढूंढने का है। तो यंग में हम लोग को मिला 1 यस और फिर सेकेंड यस, ठीक है। तो 2 यस मिल गया हम लोग को। अब क्या हम लोग ढूंढने वाले, यंग में नो कितना, पी ऑफ आई वो हमारा मिल गया क्योंकि नंबर ऑफ यस जो बायस कंप्यूटर में यस, ठीक है। फिर एन ऑफ आई क्या रहेगा, जो नो रहेगा, ठीक है। तो यंग में नो कितने, 1 है, फिर 2 है, फिर ये 3 है। तो इधर आएगा वैल्यू, एन ऑफ आई का वैल्यू आएगा 3,
ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को ओल्ड का भी देखने का और मिडल का भी देखने का है। ठीक है, तो ओल्ड के लिए कितना है टोटल, ओल्ड 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 के लिए यस कितना है, तो ये दो तीन, तीन यस है, फिर ये फोर्थ वन यस है, हाँ चार यस है। तो नंबर ऑफ पीआई जो है ओल्ड के लिए वो फोर है, और एनआई जो है वो है ओल्ड के लिए टोटल, एक मिनट, हाँ ओल्ड के लिए एक ये है और एक और है क्या, एक ये हो गया और एक ओल्ड, नहीं एक ही है, सो ये एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लिख वन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग मिडल के लिए भी देख लेंगे। तो मिडल के लिए कितना है, मिडल के लिए एक यस है, फिर दो यस है, थ्री यस है। तो मिडल के लिए थ्री यस है, और नो कितना है मिडल के लिए, कोई नो है मिडल के लिए, कोई नो, सिर्फ क्लास से देखेंगे, कंपेयर करेंगे और किसी से नहीं, क्लास है वाले एट्रीब्यूट से नहीं है, तो जीरो आएगा। तो ठीक है, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, टोटल एट्रीब्यूट कितना वैल्यू हम लोग का 14 है डेटा सेट में, तो ये ओवरऑल 14 कर रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा हम लोग को। तो 3 + 2 5, 5 + 5 कितना हो गया, 5 + 5 10 और 3 13, तो एक हम लोग ने मिस कर दिया, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा क्या है वो। तो ओल्ड के लिए मैं देखता हूँ है क्या कोई भी, हाँ तो ओल्ड के लिए दो नो है, तो इधर गड़बड़ हो गया, तो यही ध्यान देना अपने को। ठीक है, देखा क्रॉस चेक करने का फायदा, देखो मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम इसके लिए, तो देख सकते हो आप लोग क्रॉस चेक कैसे किया मैंने। तो टोटल गिनने का 14 आ रहा है क्या, आ रहा है अभी, आ रहा है 3 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14, तो टोटल ओवरऑल 14 होगा, मतलब पूरा डेटा सेट रीड हो गया। अब ये कैसे निकलेगा आई, तो सेम इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, तो आई जी ऑफ यंग, ठीक है यंग का निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा सेम माइनस पी अपॉन पी प्लस एन, पी आई लिख सकते हैं हम लोग इसको, आई लॉग ऑफ बेस 2 पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई, ये पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वैल्यू क्या डालेंगे, अभी तो हम लोग के पास प्रेजेंट है पी आई एन आई, हम लोग ने टेबल अलग से सेपरेटली बना लिया, तो फटाफट वैल्यू डाल के देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो यंग के लिए आंसर आ रहा है 0.97। ठीक है, कैल्सियम में डाल के देखो, जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कैसे करना है। ठीक है, लॉग टू द बेस 2 चूज करो और फिर वैल्यू निकालो, इसी तरह से आईजी हम लोग इसका भी निकाल लेंगे, ये मिल गया तो इधर कॉलम भर देते 0.97। ठीक है, हम लोग को मिल गया, अब क्या ओल्ड का देखते, तो आईजी ऑफ ओल्ड, ठीक है तो सेम फॉर्मूला डालना है, पी आई और एन आई का वैल्यू है अपने पास। ठीक है, तो वैल्यू भर देंगे हम लोग, और फिर इसका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 0.97। ठीक है, तो इसका भी आंसर आया। अब हम लोग देख रहे हैं आईजी ऑफ तीनों का निकालना है मिडल, ठीक है तो मिडल के लिए कितना आ रहा है वैल्यू, जीरो। अब मैं बता देता हूं ट्रिक आपको कैसे, ठीक है 0.97, अगर कोई भी वैल्यू के लिए समझो पी आई ओ या एन आई ओ दोनों में से एक भी जीरो हुआ ना, तो उसका इंफॉर्मेशन गेन कितना आएगा, जीरो, डायरेक्ट जीरो लिख देने का, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बता देता हूं मैं, किसी एक का भी जीरो आ गया, अगर दोनों का सेम आया, जैसे इधर टू था, अगर इधर भी टू रहा होगा तो कितना आएगा उसका इंफॉर्मेशन गेन, वन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि एंट्रोपी इसका, अभी हम लोग इंफॉर्मेशन गेन निकाल लिया, अभी एंट्रोपी निकालते एज का, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इधर मैंने लिखा है फॉर्मूला क्या है, समेशन पी ऑफ आई प्लस एन ऑफ आई अपॉन पी प्लस एन इंटू इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ पी ऑफ आई इंटू एन ऑफ आई, मतलब क्या हर एक का इन्फॉर्मेशन गेन से मल्टीप्लाई करने का एंट्रोपी को, तो
तो समेशन पी ऑफ आई एन ऑफ आई क्या है, तो 2 प्लस 3, देखो पी ऑफ आई एन ऑफ आई 2 प्लस 3 अपॉन पी प्लस एन था, तो पी क्या है हमारा 9 और एन क्या है 5, तो 9 प्लस 5 इंटू सॉरी देखो वापस 2 प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 5 इंटू 0.97, ठीक है, फिर प्लस, फिर पी ऑफ आई कितना है 4 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 5 इंटू 0.97 प्लस वापस से 3 प्लस 0 अपॉन 9 प्लस 5 इंटू 0। तो देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला कैसा था, समेशन पी ऑफ आई प्लस एन ऑफ आई अपॉन पी प्लस एन, पी प्लस एन क्या क्लास का पी प्लस एन, जो क्लास का पी प्लस पी और एन है ना वो, और पी ऑफ आई प्लस एन ऑफ आई मतलब क्या प्रेजेंट पी ऑफ आई पी और एन का वैल्यू, ठीक है, इनटू क्या जो इन्फॉर्मेशन गेन सबका आया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन सॉरी एंट्रोपी ऑफ ए जो आ रहा है वो आ रहा है कुछ 0.68। तो देखो हम लोग को एंट्रोपी मिल गया एच का और हम लोग को इन्फॉर्मेशन गेन मिल गया इन तीनों फैक्टर का। अब हम लोग क्या निकालेंगे गेन, सादा गेन कैसे निकालते हैं, तो गेन देखो किस इस तरह निकालते हैं, आई मतलब इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ क्लास माइनस एंट्रोपी ऑफ दैट एट्रीब्यूट, मतलब क्या गेन किस तरह से निकालेंगे हम लोग, एक मिनट, तो गेन हम लोग किस तरह से निकालेंगे, गेन इज इक्वल टू आईजी ऑफ दिस मतलब क्या मेन क्लास का, फिर माइनस किससे करेंगे जिसका एंट्रोपी निकाले, तो ये वाले से माइनस, एज का एंट्रोपी निकला तो एज वाले से माइनस करेंगे, तो 0.68। तो गेन आ रहा है एज का 0.25, ठीक है, तो ये हम लोग का एक पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड एट्रीब्यूट के लिए जाएंगे जिसका नाम क्या है बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, इनकम, तो ये मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग सेकेंड एट्रीब्यूट क्या हमारा इनकम। तो हम लोग को इसके लिए भी रीड करना है सब पी ऑफ आई एन ऑफ आई क्या रहेगा इसका, ठीक है, तो देखते हाई का हम लोग को अभी चेक करना है कितना यस आ रहा है इसमें पी ऑफ आई के लिए, पी मतलब यस और एन मतलब नो, ठीक है, तो हाई के लिए अभी फिलहाल नो है, हाई के लिए एक यस आया फिर दो यस आया, तो हाई के लिए दो यस आया, और नो कितने आए हाई के लिए नो, तो नो आए एक दो 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 तो दो आए, ठीक है, तो दो, ठीक है, फिर क्या आएगा लो के लिए चेक करेंगे, तो लो के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, तो लो लो हाँ लो इधर है, तो एक यस है दो यस है तीन यस है, ठीक है, तो तीन यस, और ये कितना अपना नो कितना आ रहा है लो के लिए, लो एक एक ही आ रहा है, तो वन, ठीक है, और मीडियम के लिए कितना आ रहा है एक यस एक आया दो तीन चार चार आए, तो चार यस आया, और नो कितना है दो, तो काउंट कर लेते हैं बराबर आया है कि नहीं, ठीक है, एक ना कैसे, तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14, तो यस मतलब हम लोग का राइट है ये, क्योंकि ये 14 डेटा सेट पूरा रीड कर रहा है, तो इसके लिए मैं बोला था क्रॉस चेक करने को। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन गेन क्या आएगा, तो मैंने बोला था अगर दोनों नेम से नंबर सेम है तो किसका इन्फॉर्मेशन गेन हमेशा कितना आएगा 1, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग देखते हैं लो का कितना आएगा, ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसका 0.811। फॉर्मूला तो पता ही है क्या है, क्या है फॉर्मूला, माइनस पी अपॉन पी प्लस एन लॉग इंटू लॉग ऑफ बेस 2 पी अपॉन पी प्लस एन, फिर माइनस एन अपॉन पी प्लस एन
लॉग टू द बेस 2 एन अपॉन पी प्लस एन, ठीक है। तो उसी तरह से सॉल्व करना है, कैल्सी में डाल के, फिर मीडियम इज इक्वल टू उसका कितना आ रहा है, 0.88, 0.88, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ऑफ इनकम इज इक्वल टू कितना आएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग ने, समेशन पी ऑफ आई अपॉन एन ऑफ आई, मतलब 2 + 2 / 14, 14 कंपलसरी 9 + 5 वाला, ठीक है, जो क्लास का है, इंटू 3 + 1 अपॉन 14 इंटू 0.811 प्लस 4 + 2 अपॉन 14 इंटू 0.88। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आता है 0.89, ठीक है, सॉरी हाँ, तो 0.89 इसका आंसर आ रहा है, एंट्रोपी ऑफ इनकम। अब गेन कैसे निकालेंगे, गेन हम लोग निकालते आईजी ऑफ क्लास, ठीक है, एक मिनट, हाँ, आईजी ऑफ क्लास माइनस एंट्रोपी ऑफ प्रेजेंट एट्रीब्यूट। तो कितना था, 0.94 माइनस 0.89, तो इसका वैल्यू आया 0.05। तो ये हम लोग को गेन किसका मिला, इनकम का। अब हम लोग थर्ड वाले के पास जा रहे हैं जिसका टेबल है एट्रीब्यूट। थर्ड टेबल क्या है हमारे पास, थर्ड टेबल हमारे पास स्टूडेंट का, ठीक है, थर्ड एट्रीब्यूट जो हम लोग का है। तो इसमें दो ही सेक्शन है, या तो नो या तो यस, ठीक है। तो देख लेते कितना आ रहा है नो और यस। तो नो के लिए यस कितना आ रहा है, 1, 2, 3, एक मिनट, हाँ 3। तो पी आई इसका आ रहा है 3 और एन आई आ रहा है, मतलब नो कितना आ रहा है नो के लिए, 1, 2, 3 और 4, तो 4 आ रहा है, ठीक है। देखा आप लोग ने कैसा है, फिर देखते हैं हम लोग यस कितना आ रहा है। तो यस के लिए, यस के लिए यस कितने, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7। तो नो यस के लिए नो शायद नहीं है, इसको एक मिनट, एक है और एक ही है, तो 1 ये है और 6 ये है, ठीक है। तो काउंट करते कितना हुआ, तो 3 + 4 = 7 तो टोटल 14 हो रहा है, मतलब राइट है हम लोग का। अब हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो आईजी ऑफ नो कितना है, इसका वैल्यू आ रहा है कुछ 0.98, तो हम लोग लिख लेते 0.98। और आईजी ऑफ यस कितना आ रहा है, 0.59 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का एंट्रोपी कितना आ रहा है, तो 3 + 4 / 14 इंटू 0.98 प्लस 6 + 1 / 14 इंटू 0.59, तो इसका कुछ आ रहा है 0.785, ठीक है। तो E ऑफ S आ गया। अब हम लोग निकालेंगे गेन। तो गेन क्या है, IG माइनस ऑफ क्लास माइनस E ऑफ S प्रेजेंट। तो 0.9 कितना था वो, 0.94 माइनस 0.78, तो इसका वैल्यू आ रहा है कुछ 0.15। तो देखा, इसी तरह से हम लोग लास्ट वाले का निकालेंगे जो क्रेडिट के लिए, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग के लिए है। तो उसके लिए देख लेते पी ऑफ आई और एन ऑफ आई क्या है, फेयर के लिए कितना है, यस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है यस, और नो कितना है फेयर के लिए, 1 एंड आई गेस 2, 2 ही है, सो 2, ठीक है।
अब देखते हैं गुड के लिए यस कितना है। तो गुड के लिए यस यस गुड के लिए किधर है, एक है, दो, तीन। तो तीन है इसके लिए, और नो कितने हैं, वो भी तीन है। तो देखते 3 + 3 सिक्स, 6 + 6 12, 2 = 14। ठीक है, तो 14 आ रहा है, मतलब बराबर है। अब इसका देखते हैं आईजी कितना आ रहा है। तो आईजी ऑफ फेयर आ रहा है कुछ 0.811, और आईजी ऑफ गुड आ रहा है 3 3 है तो 1 आएगा, तो 0.81, क्योंकि सेम है तो वैल्यू 1 है। अगर एक भी 0 रहता तो आंसर 0 आता। ठीक है, अभी अभी हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे। तो एंट्रोपी इसका कितना आएगा, 6 + 2 / 14 इंटू 0.811 प्लस 3 + 3 / 14 इंटू 1। तो इसका आ रहा है कुछ 0.89, और इसका गेन आएगा 0.94 - 0.89, तो इक्वल टू 0.04। तो देखना, अभी हम लोग को आधा से ज्यादा सम हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने ये देख लिया कि गेन हम लोग को सबका मिल गया, क्रेडिट रेटिंग का मिला, स्टूडेंट का मिला, और इनकम का मिला, और एज का मिला। ठीक है, सबका हम लोग को गेन मिल चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा गेन किसका है। तो हम लोग देख सकते, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग देख सकते कि सबसे ज्यादा गेन ना जो है वो एज का है, क्योंकि 0.25 वैल्यू इसका सबसे ज्यादा है। फिर मिला है हम लोग को स्टूडेंट का, फिर उसके बाद मिला है हम लोग को इनकम का, और सबसे लास्ट मिला क्रेडिट रेटिंग का। ठीक है, तो इसका डिसीजन ट्री कुछ ऐसा मिलेगा, इसका रूट नोड हम लोग को मिल गया, वो क्या है, एज, क्योंकि जो सबसे बड़ा गेन रहेगा वही। और एज के कितने पार्ट है, तीन है, यंग, मिडल और ओल्ड। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि ये डिसीजन ट्री स्टार्ट कैसे हुआ बनना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस सम को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा हो गया वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने को। प्लीज चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तीन अच्छे काम करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, फटाफट करो, जिनको ये, क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट में ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो, मैं भूल जाता हूँ हर बार। ठीक है, लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।